हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही कमाल की चीज़। जैसा कि आप सभी सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज जानते हैं, तो आपको पता होगा कि सी लैंग्वेज में एक हेडर फाइल होती है conio.h, जो कि कोड ब्लॉक्स IDE में सपोर्ट नहीं करती। कोड ब्लॉक्स सी और सी प्लस प्लस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन IDE है, लेकिन इसके बावजूद भी conio.h हेडर फाइल इसमें सपोर्ट नहीं करती। conio.h हेडर फाइल में कई प्रीडिफाइंड फंक्शन होते हैं, जैसे गो टू xy, सेट कलर, टेक्स्ट कलर, क्लियर स्क्रीन, जिससे हम अपने टेक्स्ट को बहुत कलरफुल बना सकते हैं और इंडेंटेशन इसका कर सकते हैं। लेकिन यह हेडर फाइल टर्बो IDE में सपोर्ट करती है, कोड ब्लॉक्स में सपोर्ट नहीं करती। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम conio.h हेडर फाइल का यूज़ कोड ब्लॉक्स में किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि conio.h हेडर फाइल्स के फंक्शंस गो टू xy और टेक्स्ट कलर का यूज़ क्या है। तो अगर मैं आपको एक टास्क दूँ, आपको एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है, तो आप क्या करेंगे, आप एक मेन्यू सिस्टम बनाएंगे जो कि 1, 2, 3, 4 करके ऑप्शन देगा, जिसमें 1 में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके आप ऑप्शन देंगे। आप स्विच केस का यूज़ करेंगे और आप केस लिखकर जब ये यूज़र 1 एंटर कर रहा है तो आप ऐड करवाएंगे, सेकंड पे सब्ट्रैक्ट। ये बहुत ही कॉमन तरीका है, लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ जो मैंने इस प्रोग्राम में अप्लाई किया है और मैंने यहाँ पर एक कोड बनाया है। मैंने कोड ब्लॉक में conio.h हेडर फाइल का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैं इस प्रोग्राम को रन करवाता हूँ। यहाँ पर मैंने बिल्ड एंड रन पे क्लिक करा और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरा प्रोग्राम कीज से कंट्रोल हो रहा है और पूरा मैंने ग्राफिक्स का यूज़ करा है। इसमें मैंने graphics.h हेडर फाइल कहीं भी इस्तेमाल नहीं करी है। मैंने conio.h के बेसिक फंक्शंस गो टू xy, टेक्स्ट कलर और क्लियर स्क्रीन का यूज़ करके इस कोड को बनाया है। अब मैं ऐड पर आकर एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर की से भी मैंने इस प्रोग्राम को कंट्रोल करा। ये बहुत ही इजी टास्क है, आपको टफ लग रहा होगा तो मैं एक वीडियो इस टॉपिक पे भी बना दूंगा कि कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और हम फर्स्ट नंबर एंटर कर रहे हैं, देन सेकंड नंबर एंटर कर रहे हैं, 13 और 12 का सम 25 होगा। आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और लुक एंड फील दे रहा है, एक यूज़र इंटरफेस यूज़र को प्रोवाइड कर रहा है। अगर ऐसा प्रोग्राम आप बनाते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन कैलकुलेटर कहलाएगा। और हम एग्जिट पर जैसे ही एंटर करेंगे ये प्रोग्राम एग्जिट हो जा रहा है। तो आज की मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको कि आप कोड ब्लॉक्स में conio.h हेडर फाइल कैसे ऐड कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। हेलो, मैं हूं आपका फ्रेंड हेमंत साहू, वेलकम टू कोडिंग हॉल यूट्यूब चैनल। तो इसके लिए सबसे पहले हमें conio.h हेडर फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम चलते हैं क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र पे जाकर आपको ये URL टाइप करना होगा, जो स्क्रीन पर आपको URL दिख रहा है, ये URL टाइप करना है। इससे आपको एक वेबसाइट खुल जाएगी जहाँ से हमें conio.h हेडर फाइल डाउनलोड करनी है। तो ये वेबसाइट है, यहाँ पर बोर्डलैंड स्टाइल की conio, यहाँ पर डाउनलोड पे हम क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हम डाउनलोड के फोल्डर में जाते हैं और आप देख सकते हैं कि ये conio.h हेडर फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब इसे हम फोल्डर में देखते हैं। यहाँ पर दो बार डाउनलोड हो चुकी है क्योंकि मैं प्रीवियसली भी डाउनलोड कर चुका था इस हेडर फाइल को। तो यहाँ पर आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फोल्डर दिखेगा conio21। इसमें आप देखेंगे ये रही हेडर फाइल conio2.h और ये रही इसकी सोर्स फाइल conio.c। हमें इन दोनों फाइल्स को कॉपी कर लेना है। यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे कॉपी फाइल्स और conio2.h को भी कॉपी कर लेंगे। इसके बाद हमें अपने दिस PC में आना है, यहाँ पर हमें सारे फोल्डर्स ओपन करना है और यहाँ पर हम एक न्यू फोल्डर बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, इस फोल्डर का कुछ भी नाम दे देते हैं। सपोज हम नाम दे देते हैं ट्रायल। ये ट्रायल फोल्डर हमने क्रिएट कर लिया, इस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं। अब इस ट्रायल फोल्डर में आपको ये दोनों फाइल conio और conio2.h आपको यहाँ पर कॉपी कर देनी है। अब हम चलते हैं हमारे कोड ब्लॉक्स IDE में। तो यहाँ पर हमें कोड ब्लॉक्स ओपन करना है। अब यहाँ पर फाइल को क्लिक करना है न्यू और आपको एक न्यू प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। न्यू प्रोजेक्ट में आपको बनाना है कंसोल एप्लीकेशन। अगर आप एम्प्टी प्रोजेक्ट लेते हैं तो conio.h हेडर फाइल सपोर्ट नहीं करेगी। आपको कंसोल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद सी या सी प्लस प्लस प्रोजेक्ट, तो हम सी में बनाएंगे इस प्रोजेक्ट को। और हम प्रोजेक्ट का टाइटल सपोज कुछ भी दे देते हैं, conio ट्रायल। और हमें इसका पाथ भी सेट करना पड़ेगा कि सी यूज़र्स में हम कहाँ डाल रहे हैं। तो हम इसको ट्रायल वाले फोल्डर में ही लेंगे, जो कि था डॉक्यूमेंट्स में ट्रायल। इस फोल्डर को हम conio
इस फोल्डर को हम कोड ब्लॉक्स में ऐड कर लेते हैं, नेक्स्ट पे करेंगे और फिनिश पे करेंगे और ये हमारा प्रोजेक्ट खुल के तैयार। अब यहाँ पर सबसे मेन टास्क है कि जो हेडर फाइल हमने डाउनलोड करके ट्रायल फोल्डर में पेस्ट करी थी उन्हें इस प्रोजेक्ट में ऐड करना। तो आप इस प्रोजेक्ट पे एक बार राइट क्लिक करिए और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऐड फाइल्स, ऐड फाइल्स में आप जाइए और ऐड फाइल्स में हमारा फोल्डर था ट्रायल, ट्रायल में ये conio.c। सबसे पहले हम सोर्स फाइल ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोर्सेज लिखा आ रहा है। इसके बाद हम हेडर फाइल भी ऐड कर देते हैं, ऐड फाइल्स अगेन, डॉक्यूमेंट्स में जो हमारा फोल्डर है ट्रायल, इसमें ये फाइल रखी है conio2.h और इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोर्सेज और हेडर्स लिखा आ रहा है, मतलब ये फाइल ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर हम एक न्यू फाइल लेंगे जिसमें हम अपना कोड लिखेंगे जिससे हम conio.h को रन कर सकें। यहाँ पर हम एम्प्टी फाइल लेते हैं, यस हम इस फाइल को अपने प्रोजेक्ट में सेव करना चाहते हैं, इसको हम सेव करेंगे main.c नाम से। ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है इस प्रोजेक्ट में, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे यस। और अब हम यहाँ पर अपना कोड लिखते हैं, तो यहाँ पर कुछ प्रीडिफाइंड कोड लिखा गया है, इसको हम यहाँ से stdlib का हमें कुछ यूज़ नहीं है। हम यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं conio2.h, जैसे ही आप सी दबाएंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा conio2.h का। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको डबल कोट्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये फाइल हमारे लोकल फोल्डर में है, इसलिए हम यहाँ पर डबल कोट्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एंटर करेंगे ये फाइल हमारे पास ऐड हो जाएगी। अब हम यहाँ पर conio.h के सपोर्ट फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं, जो कि है टेक्स्ट कलर। सबसे पहले टेक्स्ट कलर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर कलर नंबर से या कलर से डिफाइन होता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रेड कलर हम यूज़ करना चाहते हैं, रेड रेड कलर में दिखना चाहिए हमारा हेलो वर्ल्ड। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हेलो वर्ल्ड रेड कलर में लिखा हुआ दिख रहा है। आप और भी फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर गो टू एक्सपायर फंक्शन लेते हैं। आपने जब कोड ब्लॉक्स में कोडिंग करी होगी तो आपको पता होगा, एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम अगर आप हैं तो आपको पता होगा कि गो टू एक्सपायर फंक्शन भी कोड ब्लॉक्स में सपोर्ट नहीं करता है। अब गो टू एक्सपायर में मैंने शायद ज़्यादा लाइन दे दी, तो हम यहाँ पर 520 दे देते हैं। यहाँ पर कॉलम और रो का नंबर से ये वेरी करता है, और यहाँ पर हम कुछ और प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट टैप में हम लिख देते हैं वेलकम टू कोडिंग हॉल्ट, वेलकम टू कोडिंग हॉल्ट। अब ये मैसेज भी हमारा स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, लेकिन गो टू एक्सपायर से हमने कॉलम और रो साइड कर दिए तो थोड़ा सा अलग प्रिंट होगा। आप देख सकते हैं कि ये नेक्स्ट कॉलम पे प्रिंट हो रहा है और हॉरिजॉन्टल 5 स्पेस देके प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने अपने विड्थ सेट करी है 5 और 2, जहाँ पर 2 कॉलम का इंडेक्स है और 5 रो का इंडेक्स है। सपोज़ हम इसको अलग कलर में प्रिंट करवाना चाहते हैं, ये जो वेलकम टू कोडिंग हॉल्ट है हम इसको ब्लू कलर में प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम टेक्स्ट कलर फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं और कैपिटल में हम यहाँ पर ब्लू लिख सकते हैं, तो ये ब्लू कलर में प्रिंट कर देगा। इस प्रोग्राम को मैं अब रन करता हूँ, तो आप देखिए हेलो वर्ल्ड रेड कलर में प्रिंट आ रहा है और वेलकम टू कोडिंग हॉल्ट ब्लू कलर में प्रिंट होकर आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस हेडर फाइल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्लियर स्क्रीन फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं कि हेलो वर्ल्ड लिख चुके हैं, इसके बाद हम क्लियर स्क्रीन चला दें तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। आपको अगर आपने पहले कभी कोड ब्लॉक्स और टर्बो में डिफरेंस देखा हो तो आपको यहाँ पर सिस्टम क्लियर कमांड लिखनी पड़ती है, जो कि हमारी डॉस बॉक्स की कमांड होती है। क्लियर स्क्रीन फंक्शन भी कोड ब्लॉक्स में सपोर्ट नहीं करता है, बट इस हेडर फाइल के डाउनलोड करने से ये टोटली सपोर्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि वेलकम टू कोडिंग हॉल्ट लिखने के पहले ही हमारी स्क्रीन क्लियर हो चुकी थी। तो ये थी वीडियो कि conio.h को कैसे हम अपने कोड ब्लॉक्स में चला सकते हैं। आप यहाँ पर इजीली conio.h हेडर फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो या कॉपी करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ड्राइव के लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट conio.h और conio.c हेडर फाइल उठा सकते हैं। आपको इतना सारा सोर्स डाउनलोड करने की प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसमें से हेडर फाइल पहचानना भी, तो ये प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हेडर फाइल डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली और अपने कंप्यूटर में इसे आसानी से चला सकते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट में ही वर्क करेगी और यहाँ पर आपको वर्कस्पेस में सोर्सेज और हेडर्स में इन फाइल्स को ऐड करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत कम लोगों को ही पता है कि हाउ टू यूज़ conio.h इन कोड ब्लॉक्स। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।